हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके आईफोन में जो आपका कीबोर्ड है iOS 17 के अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद काफ़ी ज़्यादा लैग्स आपको शो कर रहे हैं, लैग्स आपको देखने को मिल रहे हैं आपके आईफोन के कीबोर्ड में iOS 17 के अपडेट में, तो मैं आपको इस वीडियो में चार ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसके साथ आप इजिली अपने कीबोर्ड के लैग्स के इशू को फिक्स कर सकते हो iOS 17 के अपडेट में। सो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला जो मेथड है, आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के साथ काफ़ी सारे जो इश्यूज होते हैं आईफोन के ऊपर वो सॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना चाहिए। डे टू डे रूटीन में हर एक दिन आपको यहाँ पर अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर वेट करते हैं जब तक अपना जो डिवाइस है वो रीस्टार्ट नहीं हो जाता, तो काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो ले लेता है iOS 17 के अपडेट में रीस्टार्ट होने के लिए अपना जो आईफोन है, क्योंकि जो iOS 17 का अपडेट है उसमें बहुत से नए नए फीचर्स ऐड करे गए हैं, तो नए फीचर्स ऐड होने के कारण अपने जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है थोड़ी सी तो डाउन होने वाली है या हो जाती है, तो बहुत से ये इश्यूज़ देखने को मिलते हैं नए नए अपडेट्स में। तो अपना डिवाइस जो है वो यहाँ पर रिस्टार्ट हो चुका है। अब आपको सिंपली अपने डिवाइस को सिंपली वेकअप करना है, अपने पासकोड को आपने यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको अपने सेटिंग्स को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पर दूसरे मेथड को यूज़ करना है। दूसरा मेथड यह है कि आपको यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन करना है। दूसरे नंबर पे आपको क्लियर करनी है अपने कीबोर्ड का जो चेस डेटा होता है उसको। तो कैसे क्लियर कर सकते हैं चेस डेटा को कीबोर्ड के, तो यहाँ पर आपको जनरल पे आईफोन स्टोरेज पे टैप करना है और यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है जब तक आपके आईफोन की स्टोरेज यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो जाती है। अब आपको यहाँ पर कीबोर्ड की एक्सटेंशन को फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको इसे सिंपली क्लियर कर देना है उसके चेस डेटा को। यहाँ पर आपको कीबोर्ड की एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगी। तो थर्ड जो स्टेप है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जनरल में आपका कीबोर्ड के ऊपर टैप करो। अगर आपने कोई भी ऐप स्टोर में से कोई ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है जिसके साथ आप अपने कीबोर्ड के जो नए नए डिज़ाइन है वो आप इनेबल करते हो, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपने यहाँ से डिलीट करना है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि अपने आईफोन में जो सही से काम नहीं करती हैं, इसीलिए आपको कीबोर्ड के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन को ऐप स्टोर में से इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि जो आपका आईफोन का कीबोर्ड है वो ही बहुत ही बढ़िया है, तो उसके भी डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हो। तो उसको रिमूव करने के बाद सिंपली आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स को फिर से ओपन करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफ़र एंड रीसेट आईफोन, इस ऑप्शन के ऊपर आपको टैप करना है और यहां पर आपको रीसेट की ऑप्शन पे टैप करके रीसेट ऑल सेटिंग्स के ऊपर आपको टैप कर देना है। रीसेट ऑल सेटिंग्स के ऊपर टैप करोगे तो आपका कोई भी डेटा यहां से रिमूव नहीं होगा, बस आपके जो वाईफाई कनेक्शन है और जो ब्लूटूथ कनेक्शंस होते हैं वो यहां से रिमूव हो जाते हैं और कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है अपने डिवाइस में से। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसके साथ आप अपने आईफोन में अपने कीबोर्ड के लैग्स के इशू को फिक्स कर सकते हो iOS 17 के नए अपडेट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।